ये कच्चा किसने लटका है यहाँ पे यार? नाउ क्लियर। गंजी भी इधर ही है। घर सारा पत्नी क्या फैल? या बड़ा कम बहुत दिनों बाद आए हैं, तो ये सोच रहे होगे कि मैं कहाँ हूँ इतने दिनों से। Obviously घर पे। तो भैया मैं घर पे था और आप सबको भी रहना ही नहीं है, बस जरूरी काम से बाहर निकले हैं। ऐसा है कि जैसे कि पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, हर घर में जो यहाँ पे बीमारियों का मैशअप चल रहा है, उसी का शिकार मैं भी हो गया था। और अभी भगवान की दया से यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ और रिव्यू करने जा रहा हूँ अपग्रेडेड वर्जन प्रो मैक्स वर्जन रेस 4। आने की शुरुआत होती है भाई की खतरनाक हॉरर एंट्री से। रेडी है ना? Are you sure ये शॉट तेरे को चाहिए? भाई को गाड़ी तेरे को पता है ना सब कुछ, फिर भी तेरे को भाई एक्शन एक्शन। अफसोस चूसे हुए आम जैसी शक्ल का कैमरामैन बच नहीं सका। रेस 4 मतलब यानी कि मैंने राधे फिल्म का एक नया गाना देखा, जूम जूम, जो साजिद वाजिद ने कंपोज किया है, एश किंग और लुलिया वेंटूर ने इसे गाया है। मतलब जो वांटेड म्यूजिक का जो लेवल था वो मैच नहीं किया है, पर ठीक है, इट्स क्वाइट टाइम पास। ठीक है कि हर भाई की हर गाने में एक वो उनका एक सिग्नेचर स्टेप होता है, इसमें भी मतलब एक उनका सिग्नेचर स्टेप है जिसमें आप मतलब अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा हो। इट रियली वर्क्ड, लेकिन ये स्टेप एक मिनट तक करना पड़ेगा। इस गाने में दिशा पाटनी भी और दोनों बाई गॉड इस गाने में मामा भांजी लग रहे हैं। मेरे को तो वो हीरो हीरोइन तो कहीं से भी कहीं तक नहीं लगे, समझ में नहीं आता सलमान सर भाई अपने यहाँ से इतने सिंगर इतने शो से निकलते हैं, इंडियन आइडल, सारे गामापा, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब अपने यूट्यूब पे भी कितने लोग भरे पड़े हैं, भुवन बाम वगैरह कौन कौन नहीं है यार, तुम उन्हें क्या ही नहीं लेते कि पता नहीं बाहर बाहर से उठा के ले आते हैं। अब ये अपनी ये गानों की कटरीना कैफ लुलिया को ले आई, अभी उसकी हिंदी हमारे जैसी इंग्लिश, ये तो मैंने अपनी बुराई कर ना सर। आप प्लीज यहाँ के टैलेंट को आप प्लीज उठाइए, अभी तो फिल्म आ रही है 3 दिन में, मिलते हैं उस हुआ करो चल अच्छे निकले, नहीं तो हम जैसे लोग तो तैयार ही बैठे हैं। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी अच्छा रिव्यू करने की, मिलते हैं।